टाइगर थ्री मूवी देखी आपने? जी सर, थोड़ी देर पहले देखा, बहुत ही शानदार लगी सर, एक नंबर की यार, फुल पैसा वसूल, दिल खुश हो गया, मतलब बहुत ही शानदार, टोटली गूस बम्स यार, ये समझ लो कि दीपावली का बेस्ट तोहफा मिला भाई सलमान भाईजान की तरफ से, एक नंबर छा गया सलमान भाई टोटली। मूवी में क्या खास लगा आपको? भाई फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब इसमें जो सरप्राइज कैमियो है ऋतिक रोशन का, शाहरुख खान का कैमियो, वो भी नेक्स्ट लेवल है, आते ही एक्शन करते हैं, एक्शन के मामले में, वीएफएक्स के मामले में बहुत ही शानदार फिल्म है सर, और मैं अगर ऐसा कहूं कि 2023 में सबसे ज्यादा अच्छी फिल्म यही है तो मानो गलत नहीं है, क्योंकि बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन भी एक नंबर की है, और दूसरी तरफ उसमें G20 का मुद्दा छेड़ा गया है, तो हो सकता है ये फिल्म G20 की वजह से काफ़ी लोगों को हजम न हो, हालांकि G20 अच्छा टॉपिक है, मतलब अच्छा वो पार्ट ऐड किया गया है, लेकिन कुछ लोग इसको BJP से जोड़ देंगे पार्टी से, तो इसलिए वो शायद उनको हजम ना हो, बाकी फिल्म बहुत ज़्यादा शानदार है, एक नंबर। इमरान हाशमी का रोल कैसा लगा? इमरान हाशमी का रोल भी काफ़ी मतलब हासिल, उनको जो कैरेक्टर दिया गया उन्होंने बखूबी अपना 100% दिया, और कई बार तो आपको सलमान पे वो भारी पड़ते हुए दिखेंगे, तो मेरे को कैमियो कैसे लगी? कैमियो भी अच्छे, जैसे मैंने बताया ऋतिक रोशन का अनएक्सपेक्टेड कैमियो, शाहरुख खान का कैमियो, तो हालांकि ऋतिक रोशन ने उतना ज़्यादा एक्शन नहीं किया है, उनका थोड़ा सा ही रोल था, लेकिन शाहरुख खान आते पहले फोड़ते हैं, तो ये मेरे को अच्छा लगा। इस मूवी को 5 में से कितने स्टार दिए? ओके सर, थैंक यू।